वेलकम बैक ये इस इस्ट्रामी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है जब सब लोग अपनी परफॉर्मेंस को फिनिश करके ब्रेक के लिए बाहर निकलते हैं किम नाना सीधा स्मोकिंग के लिए रूफ पर जाती है सियोन वो वहां इसके पीछे जाता है किम नाना को बोलता है तुमने 10 बार बोला था ना हैंग आउट के लिए तो ठीक है जगह समय और खेल तुम डिसाइड करोगी और मैं इसके लिए रेडी हूँ तुम्हारे साथ प्ले करने को और उसके वहाँ आकर इनके साथ परफॉर्म करने के लिए उसको थैंक्स बोलता है किम नाना ने उसके साथ परफॉर्म करने के लिए के साथ दस बार बाहर जाने की शर्त रखी थी जिसके लिए अभी सियनवो इससे बात कर रहा था उसने सियनवो को बोला था कि मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म करने के लिए तभी आऊंगी अगर तुम मेरे साथ दस बार बाहर चलोगे किमनाना चाहती थी कि सियनवो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए ताकि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सके किमनाना खुद उसे बताना नहीं चाहती थी इधर फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए सब लोग दोबारा से हॉल में लौट जाते हैं इधर टकला वाइस प्रिंसिपल सब लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद भी फैसला आल्फा वन ग्रुप वालों के हक में करके हाल से बाहर निकल जाता है इधर चोई और डोगो के मुंह भी लटक गए थे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे इधर खुद कलर बार वाले भी सबके सब, सब अफसुदा पीछे हाल में बैठे रह जाते हैं इनको इस बेहतु के सिलेक्शन पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हर तरह से इनकी परफॉर्मेंस मौजूद ही लोगो के ग्रुप ऐसी बेहतरीन थी काफी देर तक ऐसे ही मुँह लटकाए बैठे रहने के बाद सबके सब, सब लोग एक एक करके फिर हाल ऐसी बाहर निकल जाते है लगता है पर मिनसे को गायो के पास बैठे देख कर रुक जाता है मिन को लगता है की इनके हार जाने की वजह ऐसी गायो अपसेट है पर गायो इसको बताता है कि अगर विन कर लेते तो ज्यादा अच्छा था पर अभी भी वो हैप्पी है क्यूँकी उसने सबके साथ मिलकर परफॉर्म किया इनके लिए सब लोगों ने क्लैपिंग की और सबसे बड़ी बात है कि मुझे स्टेज पर रेडियो को परफॉर्म करते नहीं बल्कि गायो डोंग को परफॉर्म करते हुए लोगों ने अप्रिशिएट किया जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ जिसे सुन के मिनसई को अच्छा लगता है और सोलचंद सुनकर वहाँ गुस्से ऐसी बाहर निकल निकल जाता है सियोल के घर जाते समय इसे सल पर अपने फैंस के रिएक्शन को देखते देखते फर्स्ट लव हो जाने के फोर्टी सिम्टम्स का एक आर्टिकल दिखता है जिसे फिर वो हाय से आंख बचा बुचा कर पढ़ने लगता है जिसमे फर्स्ट लव हो जाने के पहला सिम्टम ये लिखा था की अगले पर्सन को बोलते देख कर आपके मन में कुछ कुछ होने लगता है आप उसे लाइक करते हो पर आपका मन ऐसे परिटेंट करता है जैसे आप इस सब के बारे में कुछ जानते ही न हो आरोप आपको इसकी कोई परवाह ही न हो फिर कुछ अगले पॉइंट इस तरह से लिखित है कि जैसे आपको लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते हो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर उसके बाद आप उसे लाइक करने लगते हो उसकी हर चीज आपको अच्छी लगने लग जाती है इन सब को पढ़ने के साथ साथ तो सर हिलाता है ये सब एकदम ठीक बोलते है मेरी भी तो कुछ ऐसी ही फीलिंग होते है मतलब मैं भी तो इसको लाइक करने लगा हूँ ना इधर हायोम को इसे देख के लग रहा था की फैंस के रिएक्शन पड़ रहा है और लोगो ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रखे है पर उसे क्या पता था की बच्चा किन कामों पर लगा हुआ है इसे अगला पॉइंट लिखा दिखता है कि जब वो आपके लिए एक लफ्ज भी बोलता है तो आपका दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है आप जहाँ जाओ जैसे हो आप इसके बारे में हर समय ही सोचते रहते हो इधर फिर घर जाकर दोबारा से रीड करने लगता है कि और क्या क्या लिखा है जिसमें इसे अगला पॉइंट लिखा दिखता है कि आप इस पर्सन के टेक्स्ट को कभी भी रिमूव नहीं करते हो बल्कि अपने पास हमेशा रखते हो उसकी बातों को पढ़ पढ़ कर हंसते हो और ये भी कि आप खुद को बोलोगे कि आप उसको लाइक नहीं करते हो आप उसे देखना भी नहीं चाहते हो पर अगले ही लम्हे आप इसको मिस करोगे अपने पास देखना चाहते हो फिर मिनसी को कॉल करने के लिए इसका नंबर डायल करता है पर इससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी इधर मिनसे भी इसी के बारे में सोच रही थी हमारे विन न करने पर सियोलचन उदास होगा पर खुद को बोलती है मुझे इसकी फिक्र क्यूँ हो रही है और फिर थोड़ी देर बाद सेल उठा वो भी सियल का नंबर डायल कर इससे बात करने के लिए सोचने लगती है दोनों काफी देर तक इसी बात को सोचते रहते है कॉल करनी चाहिए या नहीं इधर मिनसे जैसे ही सियलचिन को कॉल करने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती ही है कि तभी उसको सियोनवो की कॉल आ जाती है सियोनवो को लग रहा था कि आज उनके कंपटीशन लूज करने की वजह से मिनसे अपसेट तो नहीं है वो अभी सियोनवो को बता ही रही होती है कि नहीं सच वो परेशान नहीं हुई बट सियोलचिन के लिए इसको बुरा लगा कि तभी सियोलचन जो कि काफी देर से मिनसी को कॉल करने की ट्राई कर ही रहा था वो मिनसी को आखिरकार कॉल मिला ही देता है मिनसे और सियोनवो की बात बीच में अधूरी रह जाती है जिसपे मिनसी को वेट करने का बोलकर सियोलजन से बात करने लगती है इधर मिनसी जैसे ही इसकी कॉल को पिक करती है तो सियोलजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिनसे को क्या बोले थोड़ी देर तक ये वो वो ये करने के बाद इसको बोलता है तुम तो मेरी पार्टनर हो मुझे ऐसे कुछ भी बोले बिना अकेले छोड़ कर कैसे चली गयी वो बोलती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था तो वो इसको थोड़ा गुस्से ऐसी थोड़ा रूडली बोलता है मेरी तुम्हारे लिए गायों से भी वैल्यू कम है क्या तुम्हें लगा सिर्फ वही अपसेट है, इस सब ऐसी बाकी सब हैप्पी थे क्या तुम्हें तो मेरा पार्टनर होने के नाते पहले मेरी केयर करनी चाहिए थी स्पेशली फिर नॉर्मल होते हुए इसे वीकेंड पर अपने साथ मूवी देखने जाने के लिए पूछता है इधर वो भी मिनसे के साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाए बैठा था और इसके कॉल पर वापस आने का वेट कर रहा था इधर मिनसे इसको बोलती है की हाई उनके साथ चले जाओ वो बोलता है की वो बिजी है मुझे तुम्हारे साथ जाना है वो इसको बोलती है तुम इतने बड़े सुपर स्टार हो तुम्हारे आस पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ तुम मूवी देखने जा सको और वो उसको बोलता है बताया ना कि मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना है और कोई भी मेरे आस पास, पास नहीं है ऐसा पर के उसे काफी देर तक मनाते रहने के बाद मिनसे उसको मना कर देती है इधर फिर सोनवो अब इसको कॉल लगाता है तो मिनसे को लगता है की सियोलचन है तो गुस्से बोलती है बोला न की नहीं जाना आरोप सोनवो की आवाज़ सुन के नॉर्मल हो जाती है और उसे सोरी करती है मुझे लगा कोई और है फिर सियनवो इसको कल मूवी देखने जाने के लिए ऑफर करता है पर वो इसको भी मना कर देती है की मुझे कल कुछ काम है घर पर फिर सोनवो की कॉल ऑफ करने के बाद तो सियल के बारे में सोचने लगती है इसको सियल के साथ अपना फर्स्ट मीटअप याद आ जाता है कि कैसे जब उसे उसकी फैन गर्ल ने किस कर दी थी पकड़ कर तो सियन कितना ज्यादा अपसेट हो गया था और कितना अकेला था वो सभी लोग जो की उसके पीछे पीछे उसकी सेल्फीज के लिए भाग रहे थे और उससे अपना लव शो कर रहे थे वो सबके सब लोग एक ही मिनट में सियोलचन के खिलाफ हो गए थे और फिर कुछ सोच कर तो सियोलचन को दोबारा से कॉल मिलाती है वो जो मिन्सी का इनकार सुनने के बाद काफी ज्यादा सेट बैठ बैठा था अपने सेल पर रिंग होते सुनकर अपने हाथ पाँव तुड़वा फौरन से जाकर उसकी कॉल को पिक करता है और मिनसी की कॉल देखकर काफी ज्यादा हैप्पी था फिर उससे पूछता है कि मिनसे ने उसे कॉल क्यों की है तो वो इसको बोलती है मैं तुम्हारी पार्टनर होने के नाते कल तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी जिसे सुनकर इसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं पर फिर थोड़ी देर के लिए नखरे दिखाता है कि वैसे मैंने किसी और को भी बोल दिया था मेरे साथ कोई और चल रहा है पर चलो अब तुम्हारे साथ चलूंगा तुम मान गयी हो तो अरे फिर सामने इसकी पोर्ट्रेट को देखकर बोलता है आखिर तुम मेरी पार्टनर हो फिर अगले रोज दोनों मूवी देखने पहुंच जाते हैं जहां वो जाते हैं वो जगह काफी एक्सपेंसिव थी मिनसे को इसके बारे में बोलते देख कर में सुपर स्टार हूँ और तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाने लाया हूँ तो इसे इंजॉय करो फिक्र करने की जरूरत नहीं है फिर मूवी देखते हुए मिनसे को हंसते देख कर तो काफी देर तक उसे देखने लगता है इधर किमनाना सोन वो को एक लाइब्रेरी में अपने पास बुलाती है उसके आने पर वो उसे यहाँ बुलाने की वजह पूछता है तो बोलती है कि मुझे पता है तुम तो ऐसी जगहों पर नहीं जाते हो तब तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसी जगह पर तुम्हारे साथ जाऊं और फिर इसके हाथ पर कुछ मार करके बोलती है टेन में से हैंगआउट मैंने पा ली है तुम्हारे साथ तो बस की बात सुनकर हंसने लगता है कि चलो अब मेरे को बताओ इसके बाद क्या करना है फिर उसे उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है वही सेम सीट को रिजर्व करवाती है और मिनसरी वाली सीट पर खुद जाकर बैठ जाती है जहाँ पर सोनवो और मिनसई लास्ट टाइम आए थे और वही सेम आइटम ऑर्डर करवाती है जिसे देखकर सोनू याद करते हुए थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहा था उसे ये सब कुछ कोइंसिडेंस लग रहा था पर उसे क्या पता था कि ने असल में चालाकी की हुई है वो उस सारे मंजर को याद करते हुए तो जल्दी से केक खाते हुए इसे भी खाने को बोलता है की तुम भी खाओ ना पर वो तो स्टेचू बनी हुई इसकी तरफ देख रही थी फिर वो इससे पूछने लगती है की तुमने मेरी बात को क्यूँ और कैसे माना क्यूँकी तुम इस तरह के नहीं हो वो इसको काफी सोचने के बाद बोलता है मैंने ये सब कुछ गुड डील के लिए किया तो ये सब कुछ छोड़ो ऊपर गुड नीट सिर्फ मेरे लिए ही क्यों तो वो इसे बताने लगता है कि जब मैं बच्चा था मैंने कुछ अच्छे के लिए किया था पर इसे मिस अंडरस्टैंड किया गया और चीजें वैसे बिल्कुल भी नहीं रही तो मैं दोबारा इस सब से बचने के लिए पहले से ही तुम्हारे साथ चीजें ठीक करना चाहता हूँ बस इसलिए फिर दोबारा ऐसी केक खाते हुए इससे पूछता है की इसके बाद हम लोग क्या करने वाले है इधर सियल चिन्ह और मिनसी मूवी देखने के बाद बाहर घूम फिर रहे थे और इनके बिल्कुल पीछे ऐसी किमनाना भी गुजरते हैं पर दोनों पार्टी एक दूसरे को देख नहीं पाती है मिनसे को एक स्टॉल पर डॉल पसंद करती थी कर बाय कर लेता है भाई इसको देते हुए बोलता है कि ये एक मेमोरी है तो वो बोलती है कैसी मेमोरी तो इसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या बताऊँ की कैसी मेमोरी फिर मिनसे इसको खुद ही बोलती है की मेरे पास एक और भी ऐसी शीप डॉल है तो चलो ये माँ बेटी की जोड़ी हो गयी पर वो बोलता है तुम इसे शिव बॉय भी तो कह सकती हो वो बोलती है पागल हुई और शिव को कौन बॉय बोल सकता है वो बोलता है ठीक है तुम्हारी लॉजिक तो अच्छी है तो फिर ऐसा ना कि जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना तो ये शीप उसे वापस दे सकती हो और उसे पकड़ा देता है तो वो उसे देख कर मुस्कुराने लगती है सुन वो किमनाना के साथ एक था स्ट्रीट सिंगर का शो देखने जाता है इसे स्टेचू बने सिंगर को देखते पाकर हंसते हुए बोलता है किमनाना हंसने पर पैसे नहीं लगते हैं और न ही तुम्हारे फेस में दर्द होगी थोड़ा मुस्कुरा ही लो फिर इनके वहाँ से जाने की थोड़ी देर बाद ही सियलचन और मिन्सी भी वहाँ पर आ जाते हैं मिनसी तो इस सिंगर के साथ मिलकर सिंगिंग करने लगती है और सियोलचन अपने इस इनोसेंट प्रिंसेस को काफी देर तक देखने लगता है फिर वहाँ से वापस जाती हुई अपने डैड के किस्से याद करके सियलचंद को सुनाने लगती है फिर सुलचंद इससे पूछता है तुमने गिटार प्ले करना कैसे सीखा क्या ये मुश्किल था वो सुनकर बोलती है क्यों तुम भी सीखना चाहते हो क्या वो सुनकर बोलता है मेरे पास करने को पहले ही बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास समय नहीं है मैं क्यों सीखूं फिर वो इसको अपनी तरफ और देखते पाकर पूछता है मुझे क्यों घूर रही हो क्या सीन निकला है मेरे सर पर तो वो मुस्कुराकर बोलती है कि गिटार बजाना चाहते हो ना और उसे चुप देख कर बोलती है तुम तो बजाना चाहते हो मेरे कच्चे से पता है फिर इसका हाथ पकड़ कर इसको अपने साथ एक गिटार की शॉप पर ले जाती है जहाँ के अंकल मिन्सी को पहले ही बहुत अच्छे से जानते थे मिनसी इनको बताती है कि सियजन मेरा फ्रेंड है और गिटार प्ले करना चाहता है उसके कान में बोलता है मैंने कब बोला ऐसा मिनसी जल्दी से अंकल से गिटार उधारी पर मांग लेती है वो अंकल इसको बोलते है तेरी भोली सूरत देख कर भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ चलो अंदर जाकर प्ले कर लो अंदर जाकर मिनसी इसको सिखाने लगती है कि गिटार को कैसे प्ले फिर वो मुंसी को बोलता है कि हेड वाली साइड पर आओ तो मिन्सी जाकर उसके पीछे खड़े ऐसे देखने लगती है वो बोलता है अबे मैंने गिटार के हेड वाली साइड पर बोला है मेरे नहीं फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है फिर दोनों मिलकर गिटार को प्ले करना सीखने लगते है मिन्सी इसको बताती है कैसे कौन कौन से पॉइंट को माइंड रखना है गिटार को प्ले करते समय फिर सियल छुप छुप कर मिन्सी को फील हुई है बिना इसकी तरफ देख देख कर मिन्सी के साथ मिलकर सॉन्ग सिंग करने लगता है इधर किमनाना और सियन वो मिन्सी और सियोलचन वाले ऐसी में सेम में वही सेम मूवी देखने गए हुए थे किया पर से उसे अपनी तरफ देखते पाकर उसे अपने मन में कुछ कुछ फील होने लगता है और वो नर्वस हो जाती है और फौरन से भाग कर बाहर निकल जाती है फिर दोनों बाहर निकल कर तो सोलजिन इससे पूछता है कि कल तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी फिर कैसे अपना माइंड चेंज किया इसको बता देती है कि मैंने तुम्हारी कॉल के बाद तुम्हारे बारे में सोचा था जब वो तुम्हारी फैन गर्ल ने तुम्हें किस किया था मुझे लगा तुम सचमुच में बहुत ही ज्यादा लोनली हो और किस वाली बात सुनकर तो वो फौरन से बोलता है सब ठीक है पर किस वाली बात मत करना है। इसको भूल जाओ फिर वो इसको बताती है की उस समय मैंने फील किया था की कि वो सब लोग जो तुम्हे इतना ज्यादा चाहते है पर उस वक़्त जब तुम्हें इनकी जरूरत थी कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं था तो मुझे फील हुआ की कार के अंदर बैठा ये शख्स कितना अकेला है और बोलती है की आज भी मैंने फील किया कि ऐसे फेम का क्या एक सुपरस्टार का एक ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके साथ कम से कम वो मूवी देखने जा सके तुम कितने ज्यादा अकेले हो जिसे सुन गए तो इसको बोलता है कि तुम मुझे इतने अच्छे से फील कर सकती हो तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी मेरे लिए वो पूछती है की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसको बोलता है की फिर एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड फ्रेंड क्यूँ नहीं बन जाती हो वो सुनकर हैरान होती है की एक दिन की गर्लफ्रेंड वो कुछ बोलने ही लगता है की इनके पीछे खड़ी गाड़ी ऐसी सिलेंडर निकालते हुए एक शख्स के हाथ से छूट जाता है जिस पर वो दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो इनको एक और ही नज़ारा दिखता है सामने सियनो और किमनाना खड़े थे जो कि इनकी तरफ ही देख रहे थे दोनों की दोनों पार्टियां एक दूसरे को देखकर हैरान खड़ी थी इधर एक रिपोर्टर सियलचंद के साथ मिन्सी को देख कर इसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और फौरन से इनके पास जाकर सियलचंद को बोलता है मुझे तो अच्छे से जानते होगा ना मैं डीसी न्यूज का प्रोड्यूसर जूसू हूँ सियलचंद इसे देख कर मुँह बनाने लगता है की साला इधर भी टपक पड़ा है जूसू मिन्सी को इसके साथ देख कर मिनसी को बोलता है डेट पर निकले हो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी वैसे काफी प्रिटी गर्ल फ्रेंड है जिसे सुनकर सियल इसे बोलता है कि ये ये मिनसी जो कि काफी ज्यादा डरी खड़ी थी सियलचन की तरफ देखने लगती है कि ये ये क्या लगा रखा है मतलब जो भी बताना चाहते हो बता ही दो कि मैं कौन हूँ तुम्हारी पर जूसू को दोबारा ऐसी मिनसी और अपनी फोटोज को क्लिक करते देखता है तो सोलचन बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर उसको बार बार मिनसे की पिक्चर को क्लिक करते देख कर इसको बोलता है कि बोला ना इसको बीच में मतलब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर क्यों बार बार पीछे पड़ रहे हो इधर सब लोग एक सुपरस्टार को रिपोर्टर के साथ लड़ते देख कर और सियचन को उन लोगों के दरम्यान खड़े देख कर आस पास के सभी लोग सियलचन और मिनसे की वीडियोस और फोटोस को क्लिक करने लगते है वो रिपोर्टर जूसू मिनसे को सामा खड़ा देख कर सियोलचन और इसको और चढ़ाने लगता है सियलचन इसे रोकने लगता है पर वो बोलता है कैमरे पर हाथ रखने से समझ रहे हो ना क्या होगा कैसी न्यूज डालूंगा तुम्हारे बारे में फिर सोन वो सारे ड्रामे को देखते हुए इनके पास जाकर पूछता है क्या चल रहा है और मिनसी को अपनी बाहों में लेकर रिपोर्टर को बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड फ्रेंड है सियोलचंद किमन और मिनसी हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगते हैं इधर रिपोर्टर बेचारे को भी अपनी फिक्र पड़ जाती है कि कोई कांट कर बैठा हूँ मतलब साउथ कोरिया में पब्लिक फिगर के अलावा आम लोगों की इजाजत के बिना पिक्चर्स लेना जुर्म समझा जाता है और इसकी पनिश भी मिलती है इधर सियोनवो रिपोर्टर के सामने ड्रामा करता है की सियोनवो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहता था तो हमारे मना करने के बावजूद साथ आ गया चिन के पास तो कुछ कहने के लिए था नहीं वो सोनमो की तरफ देखे जा रहा था कि कैसे घड़ घड़ कर बहाने बना रहा है फिर सियनवो भी काफी तंज से रिपोर्टर को बोलता है आपकी इजाज़त हो तो सियलचिन दोस्तों के साथ मूवीज तो देख सकता है ना आप माइंड तो नहीं करोगे है ना जिस पर वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है सोनवा इधर मजीद ड्रामे को पक्का करने के लिए दूर खड़ी किमनाना को बोलता है किमनाना देखना जरा हमारे बाकी दोस्त कहाँ रह गए पूछो तो जरा जल्दी से आ जाए हम लोग वेट कर रहे हैं उनका किमनाना भी समझ जाती है और फौरन से अपनी पॉकेट से सेल निकाल लेती है फिर जुसू डरी खड़ी मिनसी से सॉरी करता है और इनको बोलता है कि अगर ये सच है सियोनवो मिनसी का बॉयफ्रेंड है तो मैं ऑफिशियली अपोलोजाइज करना चाहूंगा फिर जिसको सुनकर तो मिनसी पहले सियोनवो की तरफ देखती है और फिर सियोलचन की तरफ देखने के बाद इस रिपोर्टर को बोलती है हाँ जरूर अपोलोजाइज करो तुम्हें अपोलोजाइज करना भी चाहिए और मिनसी को गुस्से में आते देख कर सियोलचन और सियोनवो दोनों इसकी तरफ देखने लगते हैं फिर मिनसी जल्दी ऐसी सियोनवो का हाथ पकड़ कर बोलती है फिर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड ऐसी अपोलोजाइज करना होगा सोनबो और सियोलजिन के मिनसे की तरफ देखने के बाद सोनबो जल्दी से रिपोर्टर को इन सभी पिक्चर्स को डिलीट करने को बोलता है मिनसे के सियोनबो के साथ चिपके खड़े होते देख कर किमनाना के मन में कुछ कुछ हो रहा था वो काफी जेलसी फील कर रही थी जिसके लिए वो फौरन से इन सभी के पास आते हुए जूसू को धक्का मार कर इन सब को वहाँ ऐसी चलने को बोलती है की सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और अपनी गैंगस्टर किमनाना दोबारा से वापस जाते हुए जूसू को दोबारा धक्का मार कर वहाँ से चली जाती है इधर वो लोग जैसे ही थोड़ी ऐसा आगे जाते हैं जिसो इनको दोबारा से फॉलो करने लगता है को पता चल जाता है कि वो जोंग की तरह इनके पीछे चमट गया है जिस पर वो सोलचन के कान में इसको बोलता है कि इस बंदे को तुम्हारा हमारे साथ होना अच्छा नहीं लग रहा है लगता है तुम्हें अकेला करना चाहता है इधर फिर वो सब लोग किम नाना के बुलाने पर वहाँ आ गए थे और काफी हैरान थे ये सब क्या चल रहा है कल ही तो हमने कम्पिटिशन लूज किया क्या ये सब कुछ कॉम्पिटिशन लूज करने की खुशी है वो रिपोर्टर इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था वो अभी भी इनके पीछे यही बैठा था जिस पर सियोन वो अपने इन सभी फ्रेंड्स को कुछ भी बताने के बजाय अपने मन में सोचता है की अभी क्या बताएं कि किस मुश्किल में पड़ गए हैं सिर्फ सियोल की वजह से और अपने पीछे इस रिपोर्टर की तरफ देख कर आहें रह जाता है। और फिर पर एपिसोड का एंड हो जाता है तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द सिक्सटीन एपिसोड के साथ लवली बडीज तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना लव और अपनी स्पोर्ट शो करने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज